हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जिसमें हमने समझा था कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड ऑलवेज फिक्स नहीं रहती है, वो वेरी करती रहती है। लाइक कमोडिटी एक्स है, कोई भी कमोडिटी आप कंसिडर कर सकते हैं एक्स की जगह पे, उसकी डिमांड है वो उसमें अप्स एंड डाउन आते आते हैं। वो क्यों आते हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन डिटरमिनेंट्स हैं, वो बेसिकली हमने इसको दो टाइप्स में दो कैटेगराइज कर लिया था। एक तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स कि कमोडिटी के डिमांड में जो चेंजेस आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका प्राइस ही है, और एक हो गया हमारा कई बार ऐसा होता है कि उसके प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, फिर भी उसकी डिमांड फ्लैक्चुएट हो रही है तो कोई और कर रहा है उसकी डिमांड को अफेक्ट, इसका मतलब अदर फैक्टर्स हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने अदर फैक्टर को स्टार्ट करा था, ठीक है ना, अदर फैक्टर्स में। और आज की क्लासेस में अभी तक क्या क्या हमारा हो गया है डिमांड के लिए, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। इसमें आपका एक क्या हो गया है, एक आपके पास सबसे पहला हुआ है प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, ये हो चुका आपका, एंड एक आपका हो गया प्राइस ऑफ, एक आपका क्या स्टार्ट हो गया, फिर इसके बाद आपका स्टार्ट हो गया अदर फैक्टर्स। और अदर फैक्टर्स में एक आपने क्या लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स के अंदर आपको बेसिकली कितने टाइप्स की गुड्स आती हैं, इसके अंदर दो तरीके की आती हैं, एक तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक आपका हो गया प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये पढ़ लिया था हमने। इसमें आपने कैसा रिलेशन पढ़ा था, याद होगा आपका पॉजिटिव रिलेशन था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स, और इसमें कैसा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन था। थोड़ा सा आप बस रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, ये लास्ट क्लास तक हमारा हो गया था, इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसको समराइज कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अदर फैक्टर्स को ही कंटिन्यू करते हैं हम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाँ जी बच्चे, क्या कंज्यूमर की इनकम भी उसकी डिमांड को अफेक्ट करती है। यहाँ तो हम अदर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, मीन्स कमोडिटी के अपने खुद का प्राइस का तो कोई रोल नहीं रहने वाला है, प्राइस तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो क्या कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट होने में उसकी इनकम का भी, कंज्यूमर की इनकम का भी रोल होता है, होता है ना। कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है तो भी वो डिमांड चेंज कर सकता है, इवन कमोडिटी के प्राइस स्टिल क्या है, कांस्टेंट है। यही है बच्चे। अब बताओ कैसे इनकम में चेंज आने से डिमांड में कैसे इफेक्ट पड़ेगा, बताओ। कंज्यूमर की इनकम अगर राइज होगी तो डिमांड भी राइज होगी, कंज्यूमर की इनकम अगर फॉल होगी तो डिमांड भी उसकी फॉल होगी, ये आप कह रहे हैं। बट ये 100% एक्यूरेट आंसर नहीं है आपका। एग्जाम्पल लेते हैं, आप आंसर करने से पहले आप जो है समझिएगा टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। पहले आप समझिए टाइप्स ऑफ कॉमोडिटी। बेसिकली कॉमोडिटी दो टाइप्स की होती है, क्लियर है। एक होता है इंफीरियर गुड्स, और एक बच्चे होता है नॉर्मल गुड्स। दो तरह की गुड्स होती है बच्चे। इन्फीरियर गुड्स मीन्स क्या होता है, लाइक लो क्वालिटी की जो गुड्स होती है ना, लोकल चीज़ें से आप कहते हैं कि लोकल है, उसे हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। और जो ब्रांडेड होती है, कंपनी की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने 200, 250, 300 रुपये के अपने लोकल शूज़ ले लिए मार्केट से, ये क्या है, ये इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आपने वही एडिडास, रिबॉक ऐसे ब्रांडेड चीज़ों को आपने लिया तो वो आपका नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। आप वीकेंड मार्केट से, ठीक है ना, लाइक वेडनेसडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, यहाँ से आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादातर चांसेस ही रहते हैं कि इस मार्केट में कि आपको लो क्वालिटी की गुड्स रहती हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ जाती हैं, इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। और आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं जहाँ पे ब्रांड की चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पर जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे क्वालिटी बेटर रहती है, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल गुड्स फेस करते हो। तो पहले समझ में आया कि इन्फीरियर गुड्स क्या है, नॉर्मल गुड्स क्या है। तो बच्चे इन्फीरियर गुड्स के अगर आप कंज्यूमर है, जैसे स्टूडेंट आप आंसर कर रहे हैं कि सर अगर हमारी इनकम राइज होगी तो हम कम्युनिटी की डिमांड भी बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चे, तो आपसे मैं एक सिंपल सा केस ले रहा हूँ। In the case of inferior goods, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, उस बात को समझिए। आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर प्राइस राइज होगी, हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे, आप ये कह रहे हो। सॉरी, प्राइस नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है। इनकम राइज होगी तो हम उसकी डिमांड राइज करेंगे, आपका ऐसा भी माइंडसेट है। अब देखो, आप इन्फीरियर गुड्स के कंज्यूमर हो, है ना, इस टाइम पे। फिर मान लो कि चलो आपके पास कोई इन्फीरियर गुड्स है जिसको आप कंज्यूम करते हो। अब आप सेलेक्ट हो जाएंगे MBA में, 32-33 लाख रुपए पर एनएम का पैकेज लेंगे, 2-3 लाख रुपए आपका महीने की सैलरी है। अब सैलरी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई आपके, तो आप इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या करोगे, राइज करोगे, उसकी डिमांड कम कर दोगे, आप सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या ऐसा बिहेव किया जनरली आपने, अगर आपकी इनकम राइज हुई तो आपने इसका डिमांड क्या करा, हाँ, डिमांड आपने डिक्रीज करा है। बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन आप कह रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, जरूरी नहीं है, डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिपेंड करता है गुड्स कौन सी है। समझ में आया? अगर इन्फीरियर गुड्स हुआ तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम होगी। समझ में आया आपको? ये क्लियर है? अगर आपकी इनकम कम हुई तो भैया आपको तो इन्फीरियर पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा ना, सुपीरियर आपके बजट से बाहर हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी। तो इस केस में तो आपको इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है कि अगर इनकम में जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, डिमांड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? चलो अब एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस चीज़ को। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केसेस में अगर आप ऑब्जर्व करें कि आपकी इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करोगे आप, बढ़ेगी, और इनकम कम हुई तो डिमांड कम होगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो आप कह रहे थे, नॉर्मल गुड्स के केस में था। तो बेसिकली आपकी इनकम इंक्रीज हुई। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये समझ में आ गया ना आपको? हटाते हैं इसको यहाँ से, नए पेज लेते हैं। चलो बच्चे, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, तो एक कमोडिटी है एक्स, ठीक है, इसकी डिमांड क्या होगी, एक कमोडिटी है एक्स, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इसकी डिमांड क्या होगी, बताओ डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एक्स कमोडिटी है, आप कह नहीं सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? गुड्स पता नहीं आपको। अगर ये इन्फीरियर हुआ तो क्या होगा? डिमांड, डिमांड डिक्रीज। अगर ये नॉर्मल हुआ तो क्या होगा? तो इसलिए इनकम में चेंज से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट करे पड़ेगा, ये नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है, नॉट ए इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्लियर है बच्चे? किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर कैसा है। समझ में आया बच्चे आपको? तो आप इसकी डिमांड, अब मैं कह रहा हूँ इनकम बढ़ी तो आपने डिमांड बढ़ा दिया, तो अब आप गैस कर सकते हो कौन सी गुड्स है? इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ा दी, कौन सी गुड्स है? तो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या हो गया? अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी राइज कर दोगे, जिस गुड्स का इनकम डिक्रीज होगी जिसका डिमांड डिक्रीज कर दोगे, इसका मतलब गुड्स कौन सी है? नॉर्मल गुड्स है। समझ में आया आपको? ये क्लियर है बच्चे? अब मैं इसमें एक सिचुएशन, एक केस डाल रहा हूँ, पहले वन बाय वन करके केस पढ़ते हैं। Increase in income in the case of normal goods। नहीं आई बात समझ में? एक केस समझ में आया क्या है? आपकी इनकम बढ़ गई और आप किस गुड्स के कंज्यूमर हो, तो आपको लिखना पड़ेगा गुड्स कौन सा है। सिर्फ इंक्रीज इन द इनकम से बात नहीं बनेगी। मैं एग्जामिनर हूँ, मैं तो इन्फीरियर भी कंसिडर कर सकता हूँ, तो इसलिए आपको गुड्स मेंशन कर देना। अब आप क्या होगा, इनकम जब राइज होगी तो क्या होगा? जब इनकम राइज होगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड कर्व बना सकते हो? डिमांड कर्व क्या होगा? डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ रहा है ड्यू टू प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और अदर फैक्टर्स। किसकी वजह से? अदर फैक्टर। तो कर्व की क्या होगी? शिफ्टिंग। तो शिफ्ट कहाँ होगा? राइट, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड कर्व बना सकते हो इसका। कैसा डिमांड कर बनेगा? राइट वर्ड शिफ्ट होगा। पता लगा ना क्यों बनाया ऐसा डिमांड कर? नॉर्मल डिमांड कर बना लो बच्चे आप, ठीक है। वाई एक्सिस और रीजन, एक्स एक्सिस डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी। आपको पता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी और आप नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व बना रहे हैं, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आएगा? बढ़ेगा। बट आपको पता है जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल उसका प्राइस है या अदर फैक्टर है? प्राइस तो उसका कॉन्स्टेंट है भाई। नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कौन सा चेंज आ गया? वो तो कंज्यूमर के इनकम में चेंज आया है। अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जब भी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो कर्व की क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। तो डिमांड बढ़ रहा है तो कहाँ शिफ्ट होगा बच्चे? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो सेम प्राइस पे आप देख रहे हो नॉर्मल गुड्स की डिमांड पहले से ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? समझ में आया या नहीं आया? चलो अगर मैं आपको अगला केस दे दूं इसमें, डिक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डिमांड कर्व बना लो बस, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखो कैसे बनाया डायग्राम, अभी चेक करता हूँ। नॉर्मल तो डिमांड कर बनाओगे आप, और डिमांड कर वैसे क्यों बनता है ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लासेस में डिस्कस किया है। अब देखो बच्चे, अगर आपकी इनकम कम होगी आप, अरे ये नॉर्मल गुड्स का केस है, तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करोगे? कम करोगे। तो अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है ना बच्चे, तो फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा ना, क्योंकि डिमांड कम हो रहा है। तो सेम प्राइस पे आप डिमांड पहले से कम कर रहे हो। समझ में आया आपको? क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया आपको? डिमांड कम करोगे ना, तो पहले देखो डिमांड में चेंज क्या आएगा, उस डायरेक्शन में कर्व को लेकर के जाना है आपको, ठीक है। और अगला केस दे रहा हूँ आपको मैं, डायग्राम बनाते जाना बस आपको। इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, और एक है डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। दोनों का डायग्राम बनाओ बच्चे। अब आप देखिए पहला डायग्राम दोनों का। पहले नॉर्मल एक अपना डिमांड कर बना लिया करो बच्चे। प्राइस का लेवल ले लीजिए और एक आपका क्वांटिटी का लेवल ले लें। ओरिजन, एक्स एक्सिस, डिमांड कर, प्राइस, क्वांटिटी, वाई एक्सिस। चलिए यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या होगा बच्चे, उसको ऑब्जर्व करते हैं। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स का मतलब है कि मैं इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं कैसा बिहेव करूँगा उसकी डिमांड के साथ में। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड मैं कम करूँगा, मैं सुपीरियर की तरफ जाऊँगा, तो डिमांड इसकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। डिक्रीज मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये होगा। और इस सिचुएशन में डिक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ इनक्रीज, मेरी इनकम घट गई मैं और मैं एक इन्फीरियर गुड्स का कंज्यूमर हूँ तो भैया मेरे को तो इस पर डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, मैं सुपीरियर की तरफ तो जा नहीं सकता, मेरी इनकम तो कम हो गई तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। समझ में आए बच्चे। अब ये क्लियर है। देखो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में ये सब पढ़ चुके हैं हम। साथ साथ आपको पढ़ना होगा बच्चे। डिस्कस हो चुका है हमारा। क्या कहता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। क्या मैं समझा चुका हूं सब कुछ, अब बस एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भैया किसी कमोडिटी की डिमांड कंज्यूमर की इनकम से भी अफेक्ट होती है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑन द डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। भैया जो इनकम में चेंज आया उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये डिपेंड नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करता है कि भैया वो नॉर्मल है या फिर इन्फीरियर है। आगे नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन दे रहा है। व्हेन राइज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर लीड्स टू राइज इन द इज डिमांड फॉर अ गुड्स दैट गुड्स इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है, सॉरी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जिस गुड्स की डिमांड बढ़ा दे तो मीन्स कंज्यूमर के लिए वो क्या है, नॉर्मल गुड्स है। इट इज द गुड्स हुज द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज एंड फॉल्स एज इनकम डिक्रीजेस। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स। इन अदर वर्ड्स गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज द पॉजिटिव आर जनरली कॉल्ड द नॉर्मल गुड्स। वही वाली बात को रिपीट करके लिख रहा है। Example for normal goods are full cream milk and superior grains like the wheat and the rice, silk and cloth. अबे ये सिगरेट कहाँ से डाल दिया नॉर्मल गुड्स में हैं? पता लगे आप लोग नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट लेकर आ जाओ मतलब सर मैं नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी गुड्स हैं। गलती से एग्जाम्पल आया है, ठीक है। ये जो मेरा टाइपिस्ट होगा ना हैं, वो भावुक हो गया होगा, उसने कुछ अपने इमोशंस डाल दिए होंगे इसके अंदर। हाँ, नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में डालना कोई उसका सेंस नहीं बनता है कि आप नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में डाल रहे हो। वो तो मेरा टाइपिस्ट होगा, भावनाओं में बह गया होगा, इमोशनल होकर के उसने अपने भावनाएं व्यक्त कर दी होंगी टाइप करते करते। देखो इन्फीरियर गुड्स, व्हेन राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर लीड्स टू फॉल इन द हिज डिमांड फॉर अ गुड द गुड्स इज कॉल्ड एन इन्फीरियर गुड्स। जब इनकम बढ़ती है डिमांड कम करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। आगे क्या कहता है, गुड्स द डिमांड फॉर विच द वेरीज डायरेक्टली विद द इनकम आर कॉल्ड द नॉर्मल गुड्स। और जब डिमांड और इनकम के साथ में जब इन्वर्स रिलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। अब ये तो बस डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर समझ में आ गया आपको? डायग्राम बनाना मैंने सिखा दिया आपको। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्सप्लेन द कॉजेज बिहाइंड द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है मीन्स डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या रीज़न हो सकते हैं? और आपको पता है शिफ्ट हो रहा है मीन्स अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो अदर फैक्टर में क्या क्या हो जिससे डिमांड बढ़े? तो राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, मेरी ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है बच्चे? एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तब भी डिमांड बढ़ेगी। और डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, तब भी डिमांड बढ़ेगी। तो चार तो आपके पास में पॉइंट्स मिल ही गए। तो वो क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा राइटवर्ड शिफ्ट होने का, तो मैं उसको दोबारा से नहीं पढ़ाऊँगा, वो आप जो पढ़ रहे हो आपको इसमें से ही वो लिखना है। समझ में आया आपको? ये क्लियर है बच्चे? अब अगले कक्षा में ही कंटिन्यू करेंगे, आज थोड़ा सा मुझे कहीं जल्दी जाना है, एक मीटिंग है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद जी।